कैंदा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर की चटनी। आइए तो अब हम मटर की चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये 100 ग्राम फ्रेश मटर लिए, 3 से 4 हरी मिर्च ली है, 3 से 4 चम्मच दही ली है, स्वाद के अनुसार आप अपना नमक डालेंगे और 5 से 6 मिनट लहसुन की कलियां ली है। सबसे पहले हम एक जार लेंगे, जार में हम ये फ्रेश मटर डालेंगे। हम ये लहसुन की कलियां डालेंगे, अब ये ग्रीन चिल्ली डालेंगे, नमक डालेंगे और पहले हम थोड़ी सी दही डालेंगे जिससे कि एक बार अच्छे से ग्राइंड हो जाए, फिर बाद में हम इसमें और दही मिलाएंगे। अब ये चटनी पीस के तैयार हो गई है। अब इसमें जो बाकी की दही है वो मैं मिला दूंगी इसके अंदर। मटर की चटनी का टेस्ट होता है वो बिल्कुल हरे छोले की चटनी के जैसा आता है। तो बाकी की दही थी वो भी इसमें सारी ऐड कर दी। अब एक बार फिर से इसको ग्राइंड करेंगे ताकि तैयार है। आप इसको नमकीन चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और इसका टेस्ट बिल्कुल हरे छोले की चटनी के जैसा होता है। ये बिल्कुल आसान है, एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखें और फिर अपने जो भी कमेंट है उनको हमारे साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।